हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा 30 अगस्त को पर्यावरण, वन एवं संपूर्ण जीव सृष्टि के संरक्षण के लिए प्रकृति वंदन का एक विशेष कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। 30 अगस्त को सुबह 10 बजे अपने अपने घर में वृक्ष या गमले के पौधे की सह परिवार पूजा करने का आह्वान किया गया है। इस कार्यक्रम की लोगों ने सराहना की है। पीएम मोदी ने भी कार्यक्रम की प्रशंसा की है। प्रकृति वंदन कार्यक्रम देश में 500 से ज्यादा केंद्रों और 25 से ज्यादा देशों में होगा। वहीं इस मौके पर पर्यावरण, वन, जल एवं भूमि के संरक्षण विषय पर राष्ट्रीय समसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत देश के लोगों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के द्वारा 30 अगस्त को प्रकृति बंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोग वृक्ष की पूजा करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, इन सबों की पूजा करने की परंपरा रही है और दुनिया में भारत अकेला देश है जो प्रकृति की पूजा करता है, जो पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं की पूजा करता है। और आज जो प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ है, उसका कारण यही कि हमने प्रकृति के साथ टकराव पैदा कर दिया है। बड़े पैमाने पर वृक्ष कटने लगे और उसी का परिणाम है कि ये जो जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति पैदा हुई है। हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन एवं पर्यावरण गतिविधि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा 30 अगस्त को प्रातः 10 बजे से पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्राकृतिक वंदन का एक विशेष कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में रखा गया है, जिसमें हमें अपने घर पर ही परिवार के साथ किसी वृक्ष अथवा पौधे का वंदन करना है। कार्यक्रम में हमें पूज्य सर संचालक माननीय मोहन जी भागवत जी का मार्गदर्शन मिलेगा। आइए हम अपनी परंपराओं की ओर लौटते हुए प्रकृति का वंदन करें। हमारा बड़ा प्रेम है प्रकृति से और हम उसे देव मानते हैं। परमात्मा आपको बल दें, सामर्थ्य दें, शक्ति दें, विद्या विभूति दें कि आप सेवा के कार्यों में लगे रहें और आपके द्वारा सत्कर्म सिद्धि हो, शुभ कर्म प्रीति हो,